शर्मा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा, समाजशास्त्र विभाग। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को अपराध के टॉपिक पर बात करेंगे। अपराध क्या है, अपराध के सिद्धांत क्या हैं, ये मैं अपने पहले पुराने दो वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज हमको ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ताकि समाज में अपराधी कम मात्रा में बने और जो अपराध कर भी चुके हैं उनको किस प्रकार से उनका पुनर्वास किया जाएगा और किस प्रकार से उनको अपराध के दंड की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या की गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपराध क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर, समाज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएँ कायम की होती हैं, जिसमें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या पुलिस व्यवस्था, जो कि अपराधी जो होता है उसको सजा दे, उसको जो भी वो अपराध करता है उस अपराध को कमिटमेंट कराने का कार्य पुलिस का होता है। और जब वह व्यक्ति अपने अपराध को कमिट कर लेता है, अपराध को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद से ये जो व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, ये इन व्यवस्थाओं का कार्य शुरू होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, अपराध को स्वीकार करना, अपराध के लिए गवाही की व्यवस्था, कि अपराध किसने उसको करते हुए देखा है, वो चीज़ जो है वो अपराधी को अपराधी बनाती है। उसके बाद जब एक बार ये प्रूव हो जाता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया और व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद कोर्ट में जाकर उसके लिए सज़ा मुकर्रर की जाती है और तब पहली बार जेल व्यवस्था जो है वो काम में ली जाती है। जेल व्यवस्था क्या है, इसके लिए जेल का सीधा कार्य क्या होता है कि व्यक्ति को आइसोलेट करना, व्यक्ति को समाज से पृथक कर देना। तो समाज से जब पृथक, एक जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो जैसे ही उसको समाज से अलग करके आइसोलेट किया जाता है, तो उसी कारण से ये जेल व्यवस्थाएं बनाई गई, जहां पर कि जो भी उसको उस जिस प्रकार का उसका अपराध होता है उस प्रकार की सज़ा उसको मिलती है और जेल में जाकर वो वहां पर अपने उस नियत सज़ा को तय करता है और उस नियत सज़ा को पूरी करता है। जेल में भी कई प्रकार की जेल हैं, जैसे कि एक जेल है प्राचीर रहित, वॉललेस जेल, जो कि इस प्रकार के अपराधियों को दी जाती है जिनका कि व्यवहार, चारित्रिक व्यवहार जो है वो अच्छा होता है और एक कुछ पोर्शन वो अपनी जेल में काट चुके होते हैं और वहाँ पर उनका चरित्र जो है वो बेहतरीन होता है। तो ऐसे अपराधियों को कभी कभी प्राचीर रहित जेलों में, जहाँ पर कि वॉललेस है, दीवारें नहीं होती हैं, ऐसी जेलों में रखा जाता है, उनके ऊपर भरोसा होता है और वो वहाँ पर रहकर अपने कोई खेती का कार्य या कि जो भी कार्य जिनको उनको पुनर्वास के रूप में आगे वो क्या कार्य कर सकते हैं उनको वो सिखाया जाता है। और इसके अलावा कुछ जेलें ऐसी होती हैं जो कि केंद्रीय जेल, जो कि बहुत सुरक्षित जेलें होती हैं, जहां पर कि उन अपराधियों को, जैसे पुणे में है या जोधपुर की जेल भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो सुरक्षित जेल है, तो ऐसी जेलों में जहाँ पर कि बहुत सेंसिटिव अपराधियों को रखा जाता है, तो ऐसी जेलों में जहाँ पर कि सुरक्षा व्यवस्था जैमर वगैरह लगे हुए होते हैं, आमतौर पर सभी जेलों में होते हैं, और जहाँ पर कि उनको किसी भी प्रकार से उनके लिए सुरक्षा के 1, 2, 3, 4 मतलब कितने भी स्तर पर उनकी सुरक्षा की जाती है, तो ऐसी जेलें जो होती हैं वहाँ पर इनको जेलों में रखा जाता है। तो इसके अलावा कुछ उप जेलें भी होती हैं, जैसे बड़ा जेल जो होती है जहाँ पर कि बड़ी व्यवस्था, जहाँ पर कि सेंसिटिव अपराधियों को रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी जेलें जहाँ पर कि कम अपराधी वाले, जैसे कि जो कि सब डिवीज़न वाले जगह पर बनाई जाती हैं, तो ऐसी जेलों की व्यवस्था, जेल में आम तौर पर अपराधी को जो आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरीका है वहाँ पर निषेधात्मक नहीं है बल्कि वो उनको सुधारात्मक है। तो आज में जेल में जो है वो सुधार करना है,
सुधारात्मक है कि जेलों में रहकर अपराधी जो है वो अपने अपराध के बारे में एक तो सोचे कि मैंने क्यों अपराध किया, और दूसरा उसको जो है वो उसको आगे के लिए जब वो जेल से सजा काटकर बाहर निकलता है तो वहाँ पर रहकर वो इस प्रकार की व्यवस्था करे कि वो अपना जीवन को अच्छी प्रकार से काट सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसलिए जेलों में किसी न किसी प्रकार से आजकल मेडिटेशन है, योगा है, क्राफ्ट है, दरी बुनना है, खाटे बनाना है, कुर्सी मेज बनाना है, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि अपराधियों को जेलों में सिखाए जाते हैं ताकि वो जब जेल से बाहर निकले तो वो अपना आमदनी का जरिया जो है वो सही प्रकार से कर सके और उनको दोबारा इस प्रकार का आपराधिक कार्य ना करना पड़े। दूसरी व्यवस्था जो जेल के बाद है वो है प्रोवेशन की व्यवस्था, परिवीक्षा। ये उन अपराधियों की जाती है जिन्होंने कि आमतौर पर पहली बार अपराध किया होता है और उनके अपराध की जो डेंसिटी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो एक परिवीक्षा ऑफिसर होता है, जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है जिसके अंडर में 2-3 अपराधी उसके सबॉर्डिनेशन में रखे जाते हैं और वो उसकी मर्जी के ऊपर होते हैं और वो उसके बिना कंसेंट के वो उनको हाजिरी देनी पड़ती है नियमित रूप से उस प्रोबेशन ऑफिसर के पास, और उसकी मर्जी के या उसको बिना बताए वो शहर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो पहली बार कोई अपराध किया हुआ होता है और अपराध जो है वो कोई बहुत गंभीर और जघन्य अपराध नहीं होता, ऐसे जो अपराधी होते हैं वो परिवीक्षा अधिकारी के अंडर में होते हैं। तीसरी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की हुई होती है, पैरोल की व्यवस्था। ये पैरोल की जो व्यवस्था है ये उन अपराधियों के लिए होती है जो कि अपनी जेल में 3/4 हिस्सा काट चुके हुए होते हैं और उसके बाद उनको किसी एक्सेप्शनल केस में, चाहे वो बेटी की शादी है या परिवार का कोई मिसहैप हो गया हो, कोई कैजुअलिटी हो गई हो, ऐसे में उन अपराधियों को पैरोल पर छोड़ा जाता है। और कई बार राष्ट्रपति की मर्सी पर भी बहुत सारे अपराधियों को 26 जनवरी पर जो है वो उनके चारित्रिक जो जेल में, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उनका करेक्टर जो है वो मायने रखता है, तो अगर उसका चरित्र जो है वो जेल में रहते हुए उसने अपने व्यवहार से उस जेलर को या उस जेलर को खुश कर लिया कर लिया हो, या उसका चरित्र बिल्कुल अच्छा हो जेल में रहकर उसने अपने व्यक्तित्व निर्माण का, और कई बार तो ऐसे भी अपराधी होते हैं जो कि जेल में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो सुधारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलती है, तो इसलिए पैरोल पर उन्हीं अपराधियों को छोड़ा जाता है जिनका करेक्टर अच्छा होता है और एक मैक्सिमम पार्ट जो है वो अपने अपराध का वो काट चुके होते हैं। ऐसे अपराधियों को 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए या कुछ समय के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता है। ये तीन व्यवस्थाएं जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो दी हुई होती है जेल के लिए। अब एक है उत्तर संरक्षण सेवाएं। ये हमेशा से ही उत्तर संरक्षण सेवाएं जो होती हैं वो उन अपराधियों को जो जेल में रहते हैं उनको पुनर्वास के लिए या उनके वापस कैसे समाज में वो एडजस्ट करें उसके लिए जो है वो उत्तर संरक्षण सेवाएं काम करती हैं, जो कि जब जेल से व्यक्ति निकलता है तो वो एक टैग के साथ निकलता है कि अब वो जेल से निकला है, तो समाज उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो उत्तर संरक्षण सेवाएं हैं ये जो चीज़ वो सीख कर आता है, क्योंकि कोई ना कोई जो वो अपने क्राफ्ट या कोई भी ना कोई चीज़ जो है वो अपने टेस्ट के अनुसार से वो सीखता ही है, तो ऐसी चीज़ों का उनका पुनर्वास की व्यवस्था करना, उनको रखने की व्यवस्था करना, ये सब उत्तर संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत आता है। और वो लोग स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ ऐसी होती हैं जो कि उनके रहने की व्यवस्था करती है, क्योंकि अगर कई बार परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि पूरा चैप्टर हमारा आज ये ख़त्म हो चुका है, अपराध क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर, अपराध की कानूनी व्याख्या, अपराध की सामाजिक व्याख्या, दोनों बराबर पैरेलल काम करती हैं, सिर्फ
कानूनी व्याख्या अपराध की गवाही के ऊपर डिपेंड करती है और जो जो चीज़ का और उसके कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अपराध के सिद्धांत मैंने बता दिया आपको, लोमरोसो का सिद्धांत, सदरलैंड का सिद्धांत, मर्टन का व्याधकीय सिद्धांत और प्राकृतिक सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत, ये सब हमने अपराध के चैप्टर में पढ़ लिया। अपराध के क्या कारण रहे, अपराधियों का वर्गीकरण, अपराध का वर्गीकरण पिछले दोनों वीडियोज़ में बता दिया और आज हमने ये देख लिया कि सरकार के द्वारा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अपराधियों के लिए तीन व्यवस्थाएं, उनके रहने के लिए जेल व्यवस्था और जेल व्यवस्था के बाद परिवीक्षा और उसके बाद पैरोल और उत्तर संरक्षण सेवाओं के माध्यम से हम अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं। इसके नोट्स हम अपने ग्रुप पर डाल देंगे, अगर कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।